टेस्ट कहाँ चल रहा है? कोई है का? हनी तो यहाँ नहीं है। सॉरी, रानी अपने क्लास में भी नहीं है, कहीं रानी साने कुछ बेटे के बीच उसकी मां नहीं आ सकी तो तेरी क्या औकात है? कहाँ हैं आप रानी? फोन करता हूं। और टीचेबल? ये कैसे हो सकता है? कहाँ ढूंढू? अब एक्सक्यूज मी, आपने रानी को कहीं देखा क्या? वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, उनका टेस्ट था आज। ऊपर जाके लेफ्ट। थैंक यू। रानी, रानी कहाँ हैं आप? रानी, ये आवाज रानी? रानी,
हनी हनी विजय, आप तो दिल्ली गए थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? हमें लगा था आप बदल गए हैं, लेकिन हम गलत थे। क्या कह रहे हैं आप? क्यों झूठ बोला आपने हमसे? हम जानते हैं कि आप पार्क में नहीं गए थे और ना ही गुप्ता जी से मिले थे, लेकिन हाँ आप कॉलेज जरूर गए थे, है ना भाई साहब? देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत समझ रहे हैं। रानी के ऊपर आज अटैक हुआ है, जानते हैं आप ये बात? हमें कैसे पता चलेगा? हम नहीं जानते भाई साहब। घर में जो कुछ भी हो रहा है, कांच का टूटना, गैस की पाइप का कटना, भाई साहब इस सब के पीछे आप तो। ऐसा क्यों? कितने खुश थे हम सब आपको पाकर इतने सालों बाद, फिर क्यों किया आपने? क्यों नहीं करते हम? क्यों नहीं करते हम दिग्विजय? क्या चाह रहे थे हम? अपने बेटे को यहां से लेकर चले जाए अपने साथ और अपनी बाकी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारे, यही एक चाहत थी हमारी। लेकिन उस रानी ने, दिग्विजय, उस रानी ने ऐसा नहीं होने दिया। और उसके बदले में आपने उसे मारने की कोशिश की? दिमाग खराब हो गया आपका? हम वीर को अब सब सच बताएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं दिग्विजय, आप वीर को नहीं बता सकते। नहीं भाई साहब, वीर का सच जानना जरूरी है। दिग्विजय, हमारी बात सुनिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आप वीर को नहीं बताएंगे। वीर को मत बताना। जी अभी तक आए कहीं नहीं, कहा कहना चाहते थे वो? फोन मिला लेते एक बार। फोन मिलाने का कष्ट मत कीजिए भाभी साहब। हम जानते हैं आपके और हमारे ससुर जी कहां हैं। रानी को सच बता देगा और फिर कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म।
कहाँ है? वीर को आप सब सच बताएं? नहीं 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 दिग्विजय, आप वीर को नहीं बता सकते। हमें वीर और रानी को भाईसा का सब सच बताना होगा। थैंक यू सो मच बेटा, अपनी मां का मान रखने के लिए। इतने समय बाद पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ है। काश दिग्विजय भी यहां होते तो कितना अच्छा लगता। दिग्विजय भी यहां होते अगर वो हमारी बात मान लेते। खैर कोई बात नहीं, अब बस हमें वीर को लेकर यहां से जल्द ही निकलना होगा, वरना हम जरूर पकड़े जाएंगे। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। जी आइए ताऊ जी, पूजा करते हैं। चलो। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अब ग्रह शांति के लिए हवन विधि शुरू करते हैं। ओम श्री अग्ने नमः स्वाहा, ओम श्री इंद्राय नमः स्वाहा, ओम श्री गंगणपतये नमः स्वाहा। कौन कर रहा है हम नहीं जानते माता रानी, बस इतना जानते हैं कि हमें अपने परिवार को सुरक्षित और जोड़े रखना है। हमें ताकत देना और सही रास्ता दिखाना कि हम अपने मकसद में कामयाब हो पाए। अब आप सब भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाएं। बहुरानी वीर आरती आप दोनों शुरू कीजिए। सालों बाद एक अपनापन महसूस किया है मैंने, बस अब इसे मुझसे छीनिएगा मत। रानी, डैड और बाकी सबके साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं।
वीर ने पहला कदम तो हमारी तरफ बढ़ाया है, बस अब उसके कदम तक मगाए ना, अपने बेटे से दूर रहने की सजा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारा वीर हमें लौटा दो भगवान। सोफे पे बैठा थे, आइए आइए आराम से, ऐसा बैठे बैठे इधर। भाई साहब क्या हुआ, ऐसे अचानक से चक्कर क्यों आया आपको, कुछ खाया आपने सुबह से? एक सेकंड, बीपी मशीन ले आया मेरे, जल्दी से। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है वीर। भाई साहब हम ठीक है। कहाँ ठीक है आप, साफ साफ बता दीजिए ना कि 5 दिनों से आपने अपनी बीपी की दवाई नहीं ली है। What? कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर है राजमाता। लेकिन आप दवाई क्यों नहीं लेती हैं रानी साहब, अगर कुछ सीरियस हो जाता आपको तो वैसे भाभी साहब काफी हल्की टीम बनाई है आपने, हमारी टीम से जीतना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अच्छा, परंतु नामुमकिन तो नहीं, एक बार खेल शुरू हो जाए फिर देखते हैं कौन जीतेगा। ठीक है, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कछु काम, शुरू करे ई खेला लेके माता रानी का नाम। ई बाटलवा जिसके साइड रुकेगा वो को गाना गाना पड़ेगा। यस। हाँ पूर्वक, तो हमारा ही तरफ आ गया। गाइए। ठीक है गाते हैं। इतना सारा टैलेंट हमारे घर में छुपा हुआ है, मुझे पता ही नहीं है। अभी अभी तो गला साफ किए हैं हम, अभी आगे आगे देखो होता है का। वैसे आपकी टीम में कौन है हमें टक्कर देने के लिए? बिल्कुल राजेश्वरी है ना। राजमाता जी आप भूल गई का, आप हमारे टीम में हैं। अब राजेश्वरी बहुत अच्छा गाती है, हर महफिल अधूरी रह जाती है राजेश्वरी के गाने के बिना। गाइए ना राजेश्वरी वो आपका मनपसंद गाना। नहीं राजमाता हमसे नहीं होगा ये, विक्रम गाएगा ना। बेटा तुम गाओ। अरे मॉम एक एक करके सबको गाना है ना, इसमें शर्माना कैसा, प्लीज प्लीज गाइए। हमसे नहीं होगा बेटा, तुम गाओ प्लीज। अरे मॉम प्लीज यार ऐसे मत करो, कम ऑन बी अ स्पोर्ट, कम ऑन। गाइए ना रानी साहब, डॉक्टर साहब आप ही कह दीजिए ना इनसे, शायद आप कहेंगे तो मान जाएंगे। हाँ ब्रो प्लीज बोलिए ना।
यही तो कमाल है इस खेल का, कभी खुशी कभी गम से लेकर सारे गाने लपेटे में आ जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, कछु थिरकने वाला गाना हो जाए। थिरकने वाला? हाँ 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 हो जाए, क्यों नहीं। हेलो, जय माता रानी जी। नमस्ते, मैं बंसल इंफोटेक दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ये दिग्विजय सर से बात हो सकती है क्या? दिल्ली? असल में वो दिल्ली ही गए हैं, कछु काम के सिलसिले में मीटिंग है तो वहीं गए हैं। जी मीटिंग तो थी उनकी, लेकिन सर अब तक मीटिंग में आया नहीं। और वो अपना फोन भी नहीं उठा रहे हैं, इसलिए मैंने घर पे कॉल किया। शांति जी, हुकुम। कहाँ जा रही हो? हुकुम, ये थर्मास कुंवर साहब को देने जा रही हूँ। क्या है इसमें? पता नहीं, हमें दीजिए, हम दे देंगे वीर को। लेकिन हुकुम, वो बहुरानी ने कहा। जाइए आप। जी। हम जानते हैं कि आप हमसे गुस्सा है और बिना सबूत के हमारा यकीन भी नहीं करेंगे, इसीलिए हम छोटे बाऊजी को लेने जा रहे हैं। कहे कि वही हमारा सबूत है और हम जानते हैं आप उनकी बात को नहीं टाल पाएंगे। ये रानी को कैसे पता चल गया दिग्विजय कहाँ है? हमसे पहले अगर वो वहाँ पहुँच गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें फौरन दिग्विजय को शिफ्ट करना होगा। अब आप ही हमें छोटे बाऊजी तक लेकर जाएंगे। दिग्विजय भाई, ये जो आपकी बहुरानी है ना, प्रॉब्लम है उसकी, हर मामले में टांग अड़ाती है। अब देखिए ना, सिर्फ उसकी वजह से हमें आपको यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, इससे भी बदतर जगह। ऐसे अचानक रानी गई किधर? विकास काका, गोपाल काका, कोई है यहाँ पे? यस। आपने रानी को कहीं देखा क्या? जी अभी थोड़ी देर पहले बाहर जाते हुए देखा था, बहुत जल्दी में लग रही थी। ओके थैंक यू। फोन उठाइए रानी प्लीज, कहीं मेरी बातों का रानी बुरा तो नहीं मान गई। फिर से लगाता हूं। हम गाड़ी लेकर आते हैं, आप यहीं रहिए, हिलिएगा मत। वैसे भी आप हिलने के लायक हैं भी कहां।
पहुंची पहुंची रानी, हम आपको वापस ले जाना है, उठिए। अब चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं ना, आराम से। हम अभी डॉक्टर साहब को फोन लगाते हैं, वो हमें लेने आ जाएंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब के इतने सारे मिस्ड कॉल। गलत रानी बेटे, सरासर गलत। ये क्या कर रही थी तुम? तुम्हें क्या लगा फंस गए हम? हमें समझाओगे कि ये क्या है? थर्मस में चिट्ठी डालकर शांति के जरिए कहां से आते हैं ऐसे घटिया आइडियाज? वीर को मैसेज पहुंचाना था तो फोन करके बोल सकती थी। सो, तुमने हमें नहीं फंसाया रानी, हमने तुमको फंसा दिया। रहा सवाल कि हमारा सच वीर जान जाएगा, तो भाई वीर जानेगा तब जब तुम यहां से बाहर जा पाओगे। करेक्ट? यहां और वक्त मत बात करके कोई मतलब नहीं है, टायर खुद ही चेंज कर देता हूं। जाओ रानी, क्यों अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रही हो तुम? तुम जानती हो कि रानी वीर को आवाज दे या उस तक पहुंचे, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। माता रानी डॉक्टर साहब को तो हमारे पास ले आई, अब इससे पहले कि पापा जी हमें ढूंढ ले, हमें उन तक पहुंचना ही होगा। ऐसे क्यों लग रहा है कि रानी ने मुझे पुकारा है? दिमाग में सिर्फ उनकी फिक्र चल रही है, तो शायद इसलिए लगा मुझे कि ये सब वहम है मेरा।
किसी भी कीमत पर नहीं रानी, हम वीर को खुद से दूर नहीं जाने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। हाँ, वो एक्चुअली कार का टायर पंक्चर हो गया था, तो मैं ऑलमोस्ट 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। ओके या को देखने का और हम हार जाएंगे, अपने बेटे को हम हार जाएंगे।